बोलो ना मितवा, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, तू बहुत सुंदर लगा तेरे। हाँ रितु, तारी जोन शादी के जुड़ा रहा है वो हम इनकार के बोलनी है पहने खातिर। तू बताओ ले, इतारा के अच्छा लगा तेरी ना? हाँ रितु, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में? मिथिलेश चलो सब अंदर बुला बता। अरे इते वही जोड़ा बा जवन ऋतु हमारे साथे शादी के समय पहन ले रहे, पर ई पगलेट काहे पहन ले भी आई जोड़ा? मुझे मितवा ने ही कहा था कि मैं इस जोड़े में बहुत खूबसूरत लगूंगी, लेकिन अब पहन लिया है तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलो ना मितवा, ऋतु मैं कैसी लग रही हूँ? हम जानता नहीं इस समय ऋतु के कितना दुख होत होई। एक काम करता नहीं, और दुख में हम तनी ऋतु के सहारा बन जाता नहीं। अरे बताओ ना कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत ही घटिया। अरे मतलब जितना बोला जाए उतना ही कम। अरे तनी के कोनो और काम नहीं केगा? हाँ तनी के कपड़ा लत्ता खत्म हो गए रहे कि तू दूसरे कपड़ा पे हाथ मार दे लू। अरे जा जोड़ा उतारा और अपना कपड़ा पहन के आ जा। ए गुंडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रेस पे कमेंट करने की? हर कपड़ा हाँ तार पहना भाई। हे ऋतु की शादी के जोड़ा बा, ताके पहले अपना कपड़ा पहन के आ फिर कुछ ना बोलो। मैं किसी का भी पहनू कुछ भी पहनू, तुम कौन होते हो मेरे मामले में बोलने वाले? देखा तू चाय देना गिस कोनो बात ना, कोई बात ना संगमित्रा, तू एक शादी के जोड़ा में ना बहुत सुंदर लागत है। धरा की बदलना की जरूरत नहीं की, हाँ पहन ले रख। थैंक यू रितु, अब मैं सबको दिखा कर आती हूँ। सुन लिया गुंडे, अब रास्ता छोड़ो मेरा। जवन जोड़ा संगमित्रा पहन ले बानी वो जोड़ा नहीं ऋतु के जोड़ा ना, बल्कि जोड़ा से हमने तीनों के याद जुड़ल और बहुत कड़वा याद जुड़ल। काहे वो पुराना याद की आज फिर से ताजा करे की जरूरत बा? अरे मिथिलेश काहे संगमित्रा के दिले वो तू के जोड़ा पहने खातिर? नागेश मिथिलेश जी के मत बोला, हमरा की कोनो दिक्कत थी कि संगीतरा हमें शादी के जोड़ा पहन ली। ना ना गेस, तारा जौन मन कर तौन तू बोला ले। कैसे की ऋतु के तैसन मौका के इंतजार हरदम रहला। कैसे की अपन पतिव्रता होके के नाटक दिखा सकस। नागेश तू जा बाकी के काम संभाला, हमनी दोनों आवते नहीं। हाँ ए नागेश तू कहीं मत जले, तू इधर आ ना, तारा कहीं जाए लेके जरूरत नहीं है। कह सकी हमार माई खाली संगमित्रा के सामने इंकारा के बोले खाती मना के लिए बड़ी, तारा सामने ना, तारा सामने तो हम बोली सकी ले। कह सकी इनका रोज रोज के नाटक देख के हम परेशान हो गए बने। अगर उसे बताई सच में तो हमारा और इंकारा बीच में ना जो रिश्ता बटे वो खाली नाम करे गिल बटे, और वो खाली इनकरा कारण ऐसा शादी के कोनो मतलब नहीं है। तई हमारा हिसाब से इस शादी के जोड़ा के भी कोनो मतलब ना होगा किसी, और वैसे भी बस वो कपड़ा रह गई बैठे एक केहू पहन सकेला, केहू के बाउर और केहू के दिक्कत ना होगा किसी। ठीक बा, आप लोग बात करी हम बारा देखते नहीं। ऋतु हमरा के माफ कर दा, हमरा के उस दिन के बहुत पछतावा बाप।
मेरे साथ बहुत गलत कही नहीं। पता नहीं उस दिन हमारे ऊपर भूत सवार हो गए रहे। हमारे के समझ में ही नहीं कि आवत कि हम का करें और का नहीं। केहू की जिंदगी ऐसे बर्बाद करते हमारे के बहुत पछतावा पा। तू हम तो तेरा से माफी मांगे के लायक लायक भी नहीं के। कौन बात ना नागिस, हमरा के तो उल्टा तहरा धन्यवाद करे के चाहे। आज जौन भी भेल तहरा वजह से हमरा के मिथिली जी मिलनी। हमरा के न तहरा से शिकायत बा और ना ही मिथिली जी से। मिथिलेश के नाच अब ये तरह के पसंद नहीं के ना। हाँ ये सच बात बा कि मिथिलेश जी के नाच के हम ना पसंद करी ला। लेकिन अब हम उनका नाच के साथ जी सीखते नहीं। लेकिन मिथिलेश जी तो हमारे साथ है रहले नहीं खी चाहत। लेकिन हम अभी हार नहीं खी मन ले। इस 7 दिन के अंदर हम मिथिलेश जी के साथ अपन रिश्ता के बचावे की पूरा कोशिश करें। तहारी सपना कब वो पूरा न हो रितु बुकाए कि तहार और मिथिलेश के रिश्ता के डोर अब हमरे हाथ में बा। तू अपन रिश्ता बचावा और हम वो डोर खींचा और तहार तुल मेहनत पानी में मिल जाएगी। आज तो हमारे बाबूजी एकदम दुल्हा जैसे लागत आनी। लागत तारे का मतलब? अरे हम सच में दुल्हा बानी, हमार शादी होके जा रहा बा। ये मेरा प्लान था चाचा जी। देखना आपकी ये वाली शादी पहले वाली शादी से भी ज्यादा धूमधाम होगी। अरे वो सब तो ठीक बा, लेकिन हमार दुल्हीन के तो देखावा जेकरा के हम देखे आयल बानी। ओहो चाचा जी अब रहा नहीं जा रहा, चलिए सब अब छीके का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अरे छीका ऐसे थोड़ी ना होला। छीका में लड़की वाला अलग और लड़का वाला अलग बैठे ने। यहाँ तो सब एक में बैठल बा। अम्मा जी एकदम सही कहा तारी, सब लोग अपन अपन देख लेवे कि केकरे साइड रहे के बा। हम तो बाबूजी यानी कि लड़का के साइड रहब। हाँ तो ठीक बटे, फाइनली बटे हमार कि हम लड़की के तरफ मतलब हम अपना चाची के तरफ रहो। और हम रहम लड़का वाला यानी चाचा जी की तरफ से। और हम बाबूजी की तरफ से रहो। अरे अरे ऐसे थोड़ी ना होला, अगर सब लोग लड़का वाला के तरफ से रही तो लड़की वाला के तरफ से के रही? चाची जी की तरफ से खाली भैया अकेले रही है का? अच्छा तो ठीक बा, एक काम करे तनी हम मिथिले जी के साथ चाची जी की तरफ रहते नी। कोनो जरूरी थोड़ी नहीं कि दोनों आदमी बराबर है। बराबर है जेकर जहां मन वैसे चले जाओ, जेने मन रही होने रही। हमरो मन बदल गई बा, अब हम माई के तरफ से रह। और लेकिन शादी वाला दिन बाबू जी के तरफ से हो जाए, कहे कि हमरा के बराती जाए में बहुत मजा आवेला। ऐसा थोड़ी ना होला कि जब मन करी तब लड़की वाला के तरफ से, जब मन बदल जाए तब लड़का वाला के तरफ से। ई कुल लेखे होला कहे हमार मर्जी, हम चाहे जकरा तरफ से रही। तरे मन बाएगो कौनो एगो चुनला। चुप रहो सब के सब। कौन किसकी तरफ से रहेगा इसका फैसला मैं करूंगी। ये बच्चन के काम नहीं खे। ये फैसला हमरा के लेवेदा लोगन। हम बतावता नहीं के केकरा तरफ से रही। सब लोगन ध्यान से सुना, जितना भी मेहरारू लोग बाड़ी उ सब लोग बबुआ जी यानी कि लड़का के तरफ से रही हैं। और जितना भी मर्द लोग बाड़न उ लोग रज्जो के तरफ से यानी कि लड़की के तरफ से रही है। मंजूर बा? हाँ माई। हाँ माई ये ठीक रही।
नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। आप किसी को चाहे किसी भी तरफ भेजिए, लेकिन मैं अपने मितवा की तरफ ही रहूंगी और ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। ऐसे कैसे हो सकेला संगमित्रा? अम्मा जी कहनी ना कि सारी औरत लोग चाचा जी की तरफ से रह, तो यही सही बा। वो सब मैं नहीं जानती। अगर मैं मितवा की तरफ नहीं रहूंगी तो मैं शादी भी नहीं होने दूंगी। हमारा फैसला ना बदली तैयार रहा लोगन, हम रज्जू के लिए क्या बता रहे। मैं अभी आती हूं। आंटी जी रुकिए। हम कह चुकल बानी आपन फैसला ना बदलब तो ना बदलब। अरे फैसला बदलने के लिए कौन बोल रहा है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि रज्जू चाची अपने कमरे में नहीं है, वो आपके कमरे में आपका इंतजार कर रही हैं। रज्जू अरे ये दरवाजा क्यों बंद कई ले, खोला दरवाजा। बड़ी आई थी मुझे मेरे मितवा से अलग करने वाली, अब पड़ी रहो इसी कमरे में। अब जो होगा मेरी मर्जी से होगा, और अब छेके के कार्यक्रम के लिए भी चाची जी को मैं ही लेकर आऊंगी। तो दुल्हन तैयार है? हाँ चाची जी, मैं आपकी शादी तो करवा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना कि अगर आपकी बात झूठी साबित हुई तो मैं आपका अंतिम संस्कार भी बड़ी धूमधाम से करूंगी। अरे तो दिन रात हमरा के मारही के बात करतिया, ओप कई ऐसा देख लेलस कि एकरा हमार बात झूठ लगता। हमार राजकुमारी गुड़िया, बताओ इतना शुभ दिन पर तुम मारे मरावे के बात करो तरु, नहीं मन नहीं खेलागत? क्योंकि मैंने रितु का लहंगा तो पहन लिया, लेकिन उसे बोला कि ये मुझे मितवा ने पहनने के लिए बोला है, तो रितु उसे झगड़ा तो दूर, गुस्सा भी नहीं हुई। रितु आई मिथिलेश के नाटक के चक्कर में हमार जान चल गई, हमरा कैसे भी करके संगमित्रा के सामने एकनी के नाटक के खुलासा कर ही के पड़ी। हमार राजकुमारी, हम तरह की को बात बताओते हैं। सुना समझ गए लुनू? ये इस खुशी के मौके पे तो चाची जी लॉलीपॉप खाना चाहिए, ये लीजिए। अच्छा भाभी, लड़की से काका पूछाई? अब मुँह तो ये सोचे तनी, अगर रउआ लोग के समझ में नहीं खेब तो हमने से पूछ ला, हमने लोग मामले में बहुत माहिर बन। क्यों गोपाल? रउआ लोग तो रहे दी, हाँ हमने जो सवाल पूछा बस ओकरा जवाब दे दी, ये बहुत बा। हाँ तो पूछा ना। अरे तू का है इतना उतावला हो तड़ा, तो शादी बा का लड़की क्या वेदा, सवाल लड़की से पूछाई। अरे चाचा जी मानी ना, यहाँ के खुद ही बताई कि जब ठेका में चाची जी के देखे गई रहनी तो का सवाल पूछ ले रहनी। हाँ ये अच्छा आइडिया बा, चाचा जी बताई ना। बताई ना चाचा जी, रुबा चाची जी से कौन सा सवाल पूछ ले रहनी? चाची आ गई। चाचा जी रुबा बताई ना,
जब चाची जी के घरे रेवा उनका के देखे गई रहनी तब का सवाल पूछ ले रहनी। अब तुम भी गजब बात करती हो रितु, इतने साल हो गए अब तक थोड़ी याद होगा चाचा जी को वो सब। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं मितवा की टीम से हूँ, यानी चाचा जी की तरफ से, तो मितवा तुम ही बता दो तुमने रितु से क्या सवाल पूछे थे। वही सवाल चाचा जी चाची जी से पूछ लेंगे, और वैसे भी तुम दोनों की शादी में मैं तो थी नहीं। इसी बहाने मुझे भी पता लग जाएगा कि तुमने रितु से क्या क्या सवाल पूछे थे, और सच बताऊं इस खेल में बड़ा मजा आएगा। अरे रितु, रितु ये बंद कर दे। अरे मित्र ही क्या कहते रितु, शादी चाचा चाची के बैठे और उन लोगों के छेका में उहे सवाल हो गए चाहिए जो उन लोगों के जमाने में पूछा जाता है, हाँ कि ना? हाँ संग मित्रा, अगर बाबूजी आज के जमाने वाला सवाल पूछी है तब इतना मजा ना आई। इनका के अपने जमाने वाला सवाल पूछा था, ये बहाने से ये दोनों लोग के शादी के पुराना याद भी ताजा हो जाए। जब डिसाइड हो चुका है जैसा मैं बोलूंगी वही होगा, तो सब लोग मेरी बात पे अपना ज्ञान क्यों देने लगते हैं? जैसा मैं बोलती हूँ वैसा मानते क्यों नहीं? मितवा बताओ ना तुमने रितु से क्या सवाल पूछे थे। रितु तुम ही बता दो कि मितवा ने तुमसे क्या क्या सवाल पूछे थे। सही कही था संगमित्रा, हमरा के कुछ हो याद नहीं खे, अब मिथले जी के भी याद नहीं खे शायद। एक काम कर, थोड़ा सा समय दा हमने के याद करके आवत तनी जा। हाँ चलिए मिथले जी आए। रितुआ बड़ा चलाक बनती है, अरे जब छेका भइले ना रहे तो याद का करी है, बोलिए का इनकर सब चलाकी निकल जाए। मिथलेश इतना ना उनका पर खिसियाइल बा कि उनकर कोनो बातें ना सुन। अब सच्चाई के सामने आवे से केहू नहीं खे रोक सकत। अच्छा तो तू ये चाहत रू कि हम संगमित्रा के सामने जाके कहीं कि हाँ हमारा तहार छेका भइल रहे। जब हम तारा से छेका में सवाल पूछनी तो तू हमारा के ऐसा जवाब देलू कि जवाब के सुन के हम तुरंत तैयार हो गए शादी करे खातिर, ये ना काहे खातिर? जब हमारा तहार छेके नहीं खे भइल तो हम काहे खातिर संगमित्र से झूठ बोले जाई? तू हमारा के अपना नहीं झूठा समझ ले बड़ू का? अभी ना तू चाहत रू कि हम तहारा पर इशारा पर ना ची जौन तू बोलबू तौने हम करी। काश हमनी के भी रोका भइल रहे और पूरा 7 दिन के रीति रिवाज के बाद शादी भइल रहे, तब कितना अच्छा होइत ना। हमनी के बीच अगर कबो खटपट होइत तब वो पल के याद कई के हमनी के दोनों लोग अपने बीच के कड़वाहट मिटा लेती जाए। लेकिन 7 दिन के रीति रिवाज तो दूर, हमनी के शादी भी एगो दुर्घटनावश भइल। यही से रितु जी हम चाहत रहनी कि मित्रा के सामने झूठ नहीं ही हम बोल सकब। अगर हम ऐसे करब तो रउआ लागी कि हम नरम पड़ गई बनी, हमारे हृदय परिवर्तन होके लागल, और फिर रउआ और कोशिश करती हमारे करीब आवे खातिर ना। रितु जी हम तो चाहत नहीं कि रउआ हमरा से हमेशा हमेशा खातिर दूर चल जाए, तब हम ऐसा कदम काहे उठाई थी जैसे हमने के बीच की दूरी घट जाए। आप बताए रितु जी। और हाँ तू हमारा सामने ना कितनों गिड़ गिड़ेबू तब हम नाटक करे वाला नहीं, कहे से कि तारा ने हमारा नाटक करे का आदत बाना। और ये गौरी बात, तू बहरी जाके उन लोगों के सामने का कहबू का ना कहबू कि हम नहीं जाना, लेकिन हमारा के ये बात साफ साफ पता बटे
हम केहू के इशारा पर ना नाचे। हम कहा कहते नहीं कि रुआ हमरा इशारा पे नाची। संगमित्रा के कुछ पता ना चले ये खतरे हम रुआ के सब करेंगे कहते नहीं। हमरा से ज्यादा अम्मा जी की चिंता बा कि कहीं ये बात संगमित्रा के पता ना चल जाए। रुआ हमरा बारे में ना तो कम से कम अम्मा जी के बारे में तो सोचे। ठीक बा अगर रुआ निखी चाहत ना कि रुआ वहां झूठ ना बोला तो कोनो बात ना, जो कुछ भी बोले के बा ना वो हम बोलब। बस रुआ शांत रह, हम परिस्थिति के अपने हिसाब से संभाल लेब। ठीक बा।